हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं INDMoney मनी एप्लीकेशन में अकाउंट बनाकर हम आखिर USA में स्टॉक किसी भी कंपनी के किस तरीके से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और इसी के साथ में डॉलर में। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडियन करेंसी में भी आप यहां पर किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। ये बिल्कुल ग्रो एप्लीकेशन की ही तरह है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। कुछ इसका इंटरफेस है, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे इस तरीके से देखने को मिलेगा। अपना मोबाइल नंबर OTP डालकर आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर वो नेम डालना है जो कि आपके पैन कार्ड के ऊपर है, फुल नेम, ठीक है। तो वो चलिए हम यहाँ पर नेम डाल देते हैं, प्रोसीड पे सिंपली क्लिक कर देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना नेम डालकर प्रोसीड पे सिंपली क्लिक कर दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर अपनी ईमेल को वेरीफाई करेंगे। तो आपके फ़ोन के अंदर जो भी ईमेल है वो ईमेल आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। एक काम आपको यहां पर और कर लेना है, यहां पर आपको टिक कर लेना है ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला। इससे क्या होगा, और आपको कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वो काम कर देते हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन में अपडेट होगा वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपकी मेल पर पहुँच जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रोसीड पे सिंपली क्लिक करना है, अपना पैन कार्ड नंबर चेक कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है, कन्फर्म पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आ जाती है पर्सनल डिटेल, जैसे कि आप मेल हैं फीमेल वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, मैरिड हैं अनमैरिड वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इंडिया में रहते हैं तो इंडियन आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और आप एक पॉलिटिक्स से हैं तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, और आपको नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सही से चेक करके और आपको सिंपली नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देना है। अपना यहाँ पर ऊपर फादर्स नेम डालेंगे, इसी के साथ में सिटी और कंट्री कन्फर्म पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपना नॉमिनी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि फादर, मदर या फिर ब्रदर, जो भी आप करना चाहें यहाँ कर सकते हैं, और उसकी आप डेट ऑफ बर्थ डालकर डन कर देंगे यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर इतना काम कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ कर लेता हूँ फादर, और नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में आपकी एजुकेशन कितनी है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इनकम कितनी है और कौन से सेक्टर में हैं आप, ठीक है, वो आप यहाँ पर सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मेरी आय है 5 से 10 और इसी के साथ में सेल्फ एम्प्लॉय, और नेक्स्ट पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, प्रोसीड पर सिंपली करेंगे, फिर क्लिक करेंगे प्रोसीड पर, और फिर प्रोसीड पे सिंपली क्लिक करेंगे। ये बता क्या रहा है, जैसे कि आपको फ़ोटो क्लिक कराना होगा अपना खुद का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करा लेता हूँ, और उसके बाद में स्कैन होगा और मेरा कुछ इस तरीके से आया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आप सही से कर लीजिएगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्रोसीड पे हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। जैसे हम प्रोसीड पे सिंपली क्लिक कर देते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ कुछ डिटेल्स डालनी होगी, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप ट्रेड या फिर कर चुके हैं पहले, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको आधार आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है पूरी तरीके से, ठीक है। तो हमने वेरीफाई आधार पर क्लिक किया, अपना यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP डालकर आपको वेरीफाई कर लेना है। मैंने यहाँ पर कर लेता हूँ इस तरीके से, देख सकते हैं, सबमिट कर देता हूँ। और इस तरीके से आपका जो डिजिटल लॉकर है उसके ज़रिए यहाँ पर जो आपका आधार है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर इसका पिन एंटर कर देना है डिजिटल लॉकर का, अगर आपका पहले ही है तब, ठीक है, नहीं होगा तो आपको ये सेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से डिटेल आएगी, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ अलाउ कर देना है परमिशंस के लिए। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेकेंड वेट कर लेना है। अगर आपको वीडियो तेज़ लग रही है तो आप यहाँ पर रोक रोक कर भी वीडियो को देख सकते हैं, अगर आप अकाउंट इस वीडियो को देखकर ओपन कर रहे हैं तब, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने सिग्नेचर करने के लिए ऑप्शन आएगा, आपको सिग्नेचर करके यहाँ पर, और उसके बाद में प्रोसीड पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके सामने अपना बैंक अकाउंट आपको लिंक करने का ऑप्शन आएगा, तो प्रोसीड टू लिंक पर सिंपली क्लिक करेंगे, अपना वॉलेट सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड टू लिंक, ठीक है। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर पेमेंट कर देता हूँ, ये मैंने थोड़ी सी वीडियो कट कर दी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यू पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अपना एड्रेस चेक करेंगे, कंफर्म कर लेना है सही है, तो कंफर्म एड्रेस पर सिंपली क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर OTP डालकर वेरीफाई कर लेना है। इतना करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्म आएगा,
जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को आपको साइन नाउ पर सिंपली क्लिक कर देना है, तो हम इसे कर देते हैं ओके। उसके बाद में आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन, तो आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको टिक करना है, आधार नंबर डालकर और OTP के जरिए आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। तो चलिए इतना काम हम कर देते हैं यहाँ पर, जैसे कि OTP आ चुका है, OTP डालकर हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। इतना करने के बाद जो भी सारी चीज़ें होंगी हमारी वेरीफाई होंगी, अब जैसे कि देख पा रहे हैं ई वेरीफाई योर अकाउंट, ई साइन अप कंप्लीट, कंटिन्यू पर चलिए हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में हमारी पर्सनल डिटेल है जैसे कि आधार है, वो यहाँ पर वेरीफाई होगा, कुछ सेकंड वेट कर लेना है। उसके बाद में देख सकते हैं प्रेम किंगराज, ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर हमें पैसे ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो हम पैसे ऐड नहीं करेंगे, इसे हम बैक कर देंगे, ठीक है, पूरी तरीके से। इंडियन करेंसी में जो भी इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है वो हमारा इस एप्लीकेशन के अंदर बन चुका है, पर अब हमें बनाना है USA स्टॉक वाला, ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, बैक करेंगे, नए सिरे से हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। यहाँ पर सेटअप IND मनी MPIN, तो इसे हमें सेटअप कर लेना है 4 अंकों का, तो चलिए हम डाल देते हैं, कंफर्म के लिए वही सेम अंक डालकर कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में नीचे में हमें दूसरे नंबर पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है USA स्टॉक वाला, ठीक है, तो इस पर हमें सिंपली क्लिक करना है, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर 2 अकाउंट बनते हैं, ठीक है, एक इंडियन वाला, एक USA वाला। तो USA वाले में आप देख सकते हैं सब कुछ डॉलर में है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की यहाँ पर देख पा रहे हैं कंपनी है, पर यहाँ पर वॉच लिस्ट पर हम सिंपली क्लिक करते हैं, पर हमने यहाँ पर कोई भी ऐड नहीं की है कंपनी। ऑथर पर हम सिंपली क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट USA स्टॉक अकाउंट, पर हम यहाँ से नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम बनाएंगे यहाँ पर देखने को मिल रहा है माई स्टॉक अकाउंट का ऑप्शन, इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर भी वही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी पर सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है जैसे कि फ्री USA इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जैसे कि 250 का कैशबैक मिलेगा, इस खाते में पहले डिपॉजिट करेंगे, 0 बैलेंस वाला खाता है, बेस्ट एक्सचेंज रेट, ठीक है, यहाँ पर टिक करेंगे, ज्वाइन नाउ पर सिंपली क्लिक कर देंगे। कहने का मतलब है इस बैंक खाते के जरिए अपनी करेंसी को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अपना नाम डाल देंगे ऊपर में, और यहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, जैसे कि पब्लिक है, मैंने कर लिया सिलेक्ट नाम डाल के, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है, जैसे कि अकाउंटेंट, ठीक है, मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और आपको नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देना है अपने हिसाब से इसे डिटेल को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। वेरिफिकेशन योर डिटेल, कहने का मतलब है जो भी डिटेल हमने यहाँ पर सबमिट की है वो हमारी वेरिफिकेशन हो रही है, तो यहाँ कुछ सेकंड लग सकते हैं, और जो हमारी डिटेल है वेरिफिकेशन यहाँ पर हो चुकी है पूरी तरीके से। अब हमें बैंक वाले पेज पर यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, तो यहाँ पर हमें वो बैंक सिलेक्ट करना है जो भी हम करेंसी को इंडियन करेंसी से डॉलर में एक्सचेंज करेंगे तो वो सस्ते में करके दे, तो यहाँ पर आ जाती है फेडरल बैंक, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सबसे सस्ते में करके देती है, 0 बैलेंस से खाता खोल सकते हैं, विड्रॉल फीस नहीं लगती है, तो हम इसी को ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट डिपॉजिट करेंगे 250 का कैशबैक मिलेगा, विड्रॉल फीस 0 है, अकाउंट ओपनिंग फीस 0 है, बेस्ट एक्सचेंज रेट, ठीक है, ज्वाइन नाउ पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। ये काफ़ी अच्छी बैंक है इस मामले में। उसके बाद में फैमिली डिटेल आ जाती है, वो आप यहां पर सबमिट कर देंगे पूरी तरीके से, टिक मार के कन्फर्म पर सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आ जाता है ऐड नॉमनी, तो आप अपने नॉमनी को कोई भी यहां पर ऐड कर लेंगे, नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आ जाता है वेरीफाई योर आइडेंटिटीज, ठीक है, तो हम आधार नंबर डालेंगे यहाँ पर और टिक करके सेंड OTP पर सिंपली क्लिक कर देंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा जो भी आधार से लिंक होगा, ठीक है, वो OTP हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे कि हमारा OTP आ चुका है, सबमिट OTP पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद जो भी हमारा आधार है वो यहाँ पर वेरीफाई यहाँ पर हो चुका है, प्रोसीड विथ आधार नंबर, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे में। वेरीफाई योर आधार डिटेल, स्कैन हो रही है हमारी डिटेल जो भी है,
हमारी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है आधार से रिलेटेड। यहाँ पर आप बैंक से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी आपको देखनी होगी, सेविंग अकाउंट है, केवाईसी जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप देख सकते हैं, टैक्स रेगुलेशन वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, नहीं पढ़ना चाहते हैं तब ठीक है। उसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई होगा बैंक से, तो हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP आकर यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। ये यानी कि अगर आपके फ़ोन में होगी सिम तो यहाँ पर ऑटोमेटो ही यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, सिर्फ वो आपको सिम यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद में सेट एम पिन, तो हम यहाँ पर एक एम पिन सेट कर लेते हैं। चलिए हम इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं सेट एम पिन पर। अब यहाँ पर हमें क्या होता है कि चार अंकों का अपना कोई भी एम पिन बना लेना होता है, तो चलिए हम चार अंकों का यहाँ पर कोई भी एम पिन बना लेते हैं। उसके बाद में दोबारा हम वही एम पिन डालेंगे और डन कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपना एम पिन बना लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है कंटिन्यू वीडियो KYC, ठीक है, होगी हमारी। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, जैसे कि कौन कौन सी डिटेल्स हमारे लिए सही है, जैसे कि इन्वेस्ट इन USA स्टॉक, ठीक है, आपकी यहाँ पर मंथली इनकम कितनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसी के साथ में आप क्या काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, कन्फर्म पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। तो आप अपने हिसाब से इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ पर आ जाता है कंटिन्यू वीडियो वेरीफिकेशन। अब वीडियो के जरिए आपका वेरीफिकेशन होगा, लोकेशन परमिशंस को आप ऑन कर देंगे अगर आपसे परमिशंस मांगी जाती है तब, ठीक है। तो चलिए मैं इसे ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पर वीडियो वाला ऑप्शन आएगा जो कि आपको वीडियो के जरिए सारी डिटेल यहाँ पर देनी होती है, जैसे कि पैन कार्ड से रिलेटेड। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बैंक की तरफ से मेरे पास एक वीडियो कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉल आया था, जो कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, उन्हें बता रहा हूँ सारी डिटेल्स, ठीक है। और इस तरीके से आपकी वीडियो KYC कम्प्लीट हो जाती है और उसके बाद में आपका जो खाता है वो यहाँ पर खुल जाएगा करीब 24 घंटे के अंदर, ठीक है। तो देख सकते हैं चेकिंग वीडियो वेरिफिकेशन स्टेटस। तो इस तरीके से जो आपकी वीडियो KYC है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। उसके बाद में हम इसे बैक कर देंगे पूरी तरीके से और दोबारा एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम अपना एम पिन एंटर कर देंगे और यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर इंडियन करेंसी वाले अकाउंट पर हैं, तो हम यहाँ पर USA स्टॉक वाले पर सिंपली क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमें मिल गया है ऐड मनी का ऑप्शन, ठीक है। चलिए हम इसी पर ही सिंपली क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है बैंक सिलेक्ट करने का, तो हम फेडरल बैंक को दोबारा यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें देखने को मिल गया है 30 नवम्बर, यानी कि 30 नवम्बर तक जो आपका खाता है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नीचे में हमें देखने को मिल रहा है ट्रैक योर अकाउंट, ठीक है, स्टेटस वाला, ये नीचे में आपको देखने को मिल रहा है, तो इस पर चलिए हम सिंपली क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं हमारी KYC भी कंप्लीट हो चुकी है और लास्ट प्रोसेस है वो जो कि पेंडिंग में है, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम अपनी करेंसी को इस अकाउंट में किसी भी वॉलेट के जरिए पैसे को ऐड कर सकते हैं और उसके बाद में उस पैसे से हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज करके और हम USA किसी भी यानी कि किसी भी कंपनी के हम शेयर को खरीद सकते हैं और उसके बाद में बेच सकते हैं, और हम कहने का मतलब है फिर उसके बाद में किसी भी स्टॉक को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एक्सप्लोर पर सिंपली क्लिक करके और आपके सामने बहुत सारी कंपनी देखने को मिल जाएंगी, जो कि आप देख पा रहे हैं सामने आपको डॉलर में रुपये देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको देखने को मिल रहा है ये प्लेटफॉर्म फेसबुक वाला, ठीक है, देख सकते हैं। इसके सारी डिटेल आप यहां से चेक कर सकते हैं, जैसे कि एक मंथ में कितना ग्राफ गिरा है कि बढ़ा है, ठीक है। इसी के साथ में आप यहां पर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके सारा कुछ यहां पर जान सकते हैं, जैसे कि ये कंपनी किसके नाम पर है, इसके ये कब यानी कि कब से कब तक यहाँ पर ये ओपन हुई है, सारा कुछ आप यहीं से ही जान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं CEO कौन है इसके, ठीक है, और एक्चुअली में इसके एम्प्लॉई कितने हैं, ठीक है, वो आप सारी की सारी यहाँ पर डिटेल जान सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है और आप यहाँ से कर सकते हैं।
और उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट जो कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस पर चलिए हम क्लिक करते हैं, इसे देखते हैं कि आखिर एक मंथ में या फिर एक साल में कितना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। जैसे कि एक मंथ में यहाँ पर देख सकते हैं फिर भी ये प्रॉफिट दिखा रही है। उसके बाद में आप इसके भी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, इसके सीईओ वगैरह कौन है देख सकते हैं यहाँ पर, और इस कंपनी में कितने इम्प्लाई काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर जैसे कि एप्पल है, ठीक है, इसके भी आप यहाँ पर सारी डिटेल को चेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है आप इसमें किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं और यहीं से ही आप बेच सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं बाय कर सकते हैं यहाँ से, और $1 जैसे कि $2 वो आप यहाँ पर भर के और आप यहाँ पर एड मनी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर खाता खोल सकते हैं, और मैंने आपको दोनों ही बता दिया। और इसी तरीके से आप इंडियन वाले अकाउंट पर जाकर भी किसी भी कंपनी के खरीद और बेच सकते हैं। अगर आप इस पर कंप्लीट वीडियो चाहते हैं कि किस तरीके से खरीदना है, किस तरीके से बेचना है, तो वो वीडियो के लिए आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ उस पर एक वीडियो बनाइएगा, तब मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा और आप उस वीडियो में पूरी कंप्लीट तरीके से सीख पाएंगे कि आखिर किसी भी कंपनी के यूएसए के हम किस तरीके से स्टॉक खरीद सकते हैं और आखिर हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए खरीदते समय, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।